होगी ना इस वक्त। तो आपने एरे का नाम लिखा, आपने फिल्टर लिखा, फिल्टर एक मेथड है, तो आपने राउंड ब्रैकेट दे दिए। अब ये फिल्टर काम किस तरह करता है, इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेकर जाऊंगा, तो यहाँ पर वन लाइन डेफिनेशन है कि रिटर्न द एलिमेंट ऑफ एन एरे। ये क्या करता है, एरे के एलिमेंट को रिटर्न करता है, दैट मीट द कंडीशन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि दैट मीट द कंडीशन स्पेसिफाइड इन कॉल बैक फंक्शन। तो इन्होंने यहाँ पर तीन चीजें बताई हैं, एक इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन बनेगा, दूसरी चीज के कंडीशन के मुताबिक ये आपको एलिमेंट्स को रिटर्न कराकर देगा। एक कॉल बैक फंक्शन बनेगा और आपकी कंडीशन के मुताबिक आपको रिटर्न कराकर एलिमेंट्स देगा। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पर नोट डाउन भी कर लेते हैं, कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर बनाना है हमें, तो एक एरो फंक्शन मैं बना रहा हूँ। इस एरो फंक्शन के अंदर यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, अब मैं देखता हूँ। तो वापस डेफिनेशन में जाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉल बैक फंक्शन बनाना है, वो बना लिया मैंने। उसके बाद कहते हैं कि रिटर्न द एलिमेंट ऑफ एन एरे, तो एरे के एलिमेंट की बात हो रही है, कौन से वाले एरे की बात हो रही है, नम एरे, क्योंकि मैंने नम एरे के साथ फिल्टर लगाया है और नम एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि 10, 15, 25, 20, 100, 40। तो ये तमाम क्या है, ये एलिमेंट्स हैं एरे के। अब एक एक करके इन तमाम एलिमेंट्स को मुझे अपने इस एरो फंक्शन में लेकर आना है। तो मैं किस तरह लेकर आऊंगा, जब फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर होता है तो वो क्या करता है, बाहर की चीजों को अपने अंदर रिसीव करके और अपने फंक्शन स्कोप के अंदर हम इसे यूज कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, एक पैरामीटर। तो मैं पैरामीटर बना लेता हूँ, पैरामीटर का नाम कुछ भी रख सकता हूँ, मैं पी रख देता हूँ पी। और अगर आपको डाटा टाइप देनी है दे दें, नहीं देनी मत दें। तो मैं डाटा टाइप दे देता हूँ यहाँ पर नंबर। तो मैंने एक पैरामीटर बना लिया। अब इस पैरामीटर में क्या होगा, एक एक करके ये तमाम वैल्यूज इसके अंदर आएंगी और उसके बाद उन वैल्यूज को मैं क्या करूंगा, यूज कर लूंगा। तो मैंने दो काम तो कर लिए, सबसे पहला मैंने कॉल बैक फंक्शन बना लिया, उसके बाद मैंने क्या कर लिया, पैरामीटर बना लिया। क्यों, मैंने पैरामीटर बना लिया क्यों, क्योंकि मुझे एरे के इन तमाम एलिमेंट्स को एक एक करके इस एरो फंक्शन के अंदर लेकर आना है। और अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वो भी यही कह रहे हैं कि एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, मतलब एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, ये तमाम एलिमेंट्स हैं एरे के, ये एक एक करके आपके पैरामीटर में आएंगे। अब क्या करना है, अब इन्होंने आगे एक बात कही है कि मीट द कंडीशन स्पेसिफाइड। ये जो इन्होंने बात कही है ना, कंडीशन स्पेसिफाइड, फिल्टर इसकी वजह से मैप और फॉर ईच से डिफरेंट है। मतलब आप इस बॉडी के अंदर जो भी लिखेंगे वो एक कंडीशन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे के जो आपके पास इन तमाम एलिमेंट्स को कौन रिसीव कर रहे, आपका ये पैरामीटर। तो पैरामीटर के ऊपर सबसे पहले 10 आएगा, उसके अंदर बाद में 15 आएगा, फिर 25, फिर 20, 100 एंड 40, ये चीजें आएंगी। तो सबसे पहले हम ये कंसिडर करते हैं कि इसके अंदर 10 आ चुका है, इस पी के अंदर 10 आ चुका है। तो मुझे इन तमाम को देखना है अपने कंडीशन के हिसाब से। अब देखिए मैं कंडीशन क्या लिखूंगा, मैं लिखता हूं कि अगर पी, जिसके अंदर में एक एक करके ये तमाम वैल्यूज आएंगी, अगर वो ग्रेटर देन हो 50 से, तो ये क्या हो, मुझे
मेरे एलिमेंट्स को रिटर्न करा कर दे दे। ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आपने क्या लिखा है? आपने एक कंडीशन स्टेटमेंट लिखी। यहाँ पर आपने क्या लिखी है? अस्सलाम वालेकुम जी सर। सर एक मिनट, मैं बिल्कुल रास्ते में थी, मुझे सिर्फ दोबारा बताएगा फिल्टर क्या करते हैं। जी जी तो फिल्टर जो है वो हमारे एरे का एक मेथड है, और एरे का मेथड जो है ये मैप और फॉर ईच से डिफरेंट मेथड है। क्यों? क्योंकि आप अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर, आप क्या करते हैं, अपनी कंडीशन के ऊपर एरे के एलिमेंट्स को निकालते हैं एरे से और उसे यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पर 10, 15, 25 है, फिर 20 है, फिर 100 है, फिर 40 है, काफ़ी सारे एलिमेंट हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मुझे सिर्फ वो एलिमेंट मिले जो 50 से, जिसकी वैल्यू बड़ी हो। तो क्या 10 इस कंडीशन पे उतरता है? नहीं। 15 नहीं उतरता, 25 भी नहीं, 20 भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ 100 एक ऐसी वैल्यू है जो आपके इस कंडीशन को मीट करती है, और 40 भी नहीं। तो मैंने एक कंडीशन लिखी, इस कंडीशन को सिर्फ 100 मीट कर रहा है। तो एक एक करके इस पी के अंदर 10, 15, 25, 20, 100, 40 ये सब आएंगे, और कंडीशन जिसकी ट्रू होगी, मतलब ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये, फिर ये, तो इसमें से ये 100 वाली जो वैल्यू है ना, सिर्फ इसके ऊपर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ये वाली, बाकी तमाम के ऊपर ये कंडीशन फॉल्स हो जा रही है। तो इसको देखते हैं। अच्छा, वैल्यूज रिटर्न हो रही हैं, जाहिर है, तो यहां पर हम रिटर्न करेंगे। रिटर्न लिखना जरूरी है क्योंकि आपने कर्ली ब्रैकेट लगाया है, और जब ये आपको वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है तो उसको हम एक वेरिएबल में कैच कर लेंगे। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ और उसके अंदर ये वाली जो स्टेटमेंट है इसे रख देता हूँ। ठीक है, एक वेरिएबल बनाते हैं ए के नाम से, और इसके अंदर क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को रख देते हैं। अब मैं देखता हूँ कॉन्सोल डॉट लॉग करा के कि ए के अंदर क्या चीज़ आई है। तो देखते हैं, तो ए जो है वो एक एरे बन चुका है, और उस एरे के अंदर एक ही एलिमेंट है जो कि है 100। एक ऐसा एरे बन चुका है जिसके अंदर सिर्फ 100 है। अब ये 100 की वैल्यू आई कैसे? क्योंकि आपने एक कंडीशन लिखी थी कि वैल्यू जो 50 से बड़ी हो, वो वाली वैल्यू जो है वो मुझे इस ए के अंदर सेव होकर मिल जाए। तो 100 सिर्फ एक ऐसी वैल्यू थी जो इस कंडीशन को मीट करिए। अच्छा, इस कंडीशन को क्या करते हैं हम, यहाँ पर हम कर देते हैं 30। तो अब 30 के हिसाब से ये फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स, फॉल्स है, ये दोनों ट्रू है। तो अब मेरे एरे में दो एलिमेंट आएंगे, इसे देखते हैं। तो 100 और 40, अब ये दो एलिमेंट आ गए। आपको बात समझ में आई कि ये किस तरीके से कंडीशन के ऊपर काम कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाली सर यहाँ पे हम रिटर्न टाइप नहीं बताएंगे, मतलब मेंशन करना जरूरी नहीं है। रिटर्न टाइप मेंशन करना ज़रूरी नहीं है कॉल, क्योंकि आपके पास टाइप स्क्रिप्ट में इन्फर सिस्टम होता है ना, तो वो क्या करता है जी कि वो सर, इन्फर कर लेता है। अगर आप बता भी दें तो अच्छी बात है, लेकिन अननेसेसरी आप डाटा टाइप्स, मतलब देखें, टाइप स्क्रिप्ट जो है ना उसका मकसद यही है कि डाटा टाइप के ऊपर स्ट्रिक्ट रहना। तो अगर आप मेंशन करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ डेवलपर्स ये कहते हैं कि अननेसेसरी डेटा टाइप को मेंशन ना किया जाए। मिसाल के तौर पे आप अगर लेट लिखकर यहाँ पर लिख या नेम लिखते हैं यहाँ पर,
तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये जो मेरा वेरिएबल है ये इन्फर कर लेगा कि माई नेम जो है वो एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, इसने इन्फर कर लिया। तो अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर स्ट्रॉन्ग टाइपिंग करूँ तो ये क्या है, ये अननेसेसरी है। और अननेसेसरी जो डेटा टाइप हम लिखते हैं ना, उससे हमें अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इन्फर कर रहे हैं, लेकिन फंक्शन के अंदर आप जब भी फंक्शन बनाएं तो फंक्शन के अंदर जब आप बिल्कुल सेटिस्फाई हों कि हाँ ये वाली चीज़ मेरी रिटर्न होकर जाएगी, तो जैसे मुझे पता है कि इस मेरे एरे के अंदर नंबर्स हैं सिर्फ, अगर मैं यहाँ पर एक नाम लिख दूँ और इससे जो है मैं एनी टाइप का कर दूँ, जाहिर है जो मैंने नाम लिखा है वो कंडीशन को मीट नहीं करेगा, जाहिर है। तो आपके पास रिजल्ट में 40 ही आ रहा है सिर्फ, क्योंकि ताहा जो है वो 30 से बड़ा नहीं है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स होगी, इसलिए वो मीट नहीं कर रहे। लेकिन कोई एक ऐसी कंडीशन होती जिसमें आपके पास स्ट्रिंग और नंबर दोनों हैं, तो वहां पर अगर आप चाहते हैं तो आप लाजमी मेंशन करें कि मुझे सिर्फ क्या रिटर्न करना है, मुझे सिर्फ नंबर रिटर्न करना है, ठीक है? तो इस तरीके से। अच्छा थैंक यू देखें, सर। सर ये जो आपसे एक बात, इसमें कोई एक नंबर चाहिए हो तो हम डॉट फिल्टर यूज करते हैं क्या नहीं, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। देखें डॉट सर? फिल्टर सर क्या, जी, इसका कंडीशन यूज स्टेटमेंट कैसे बता कैसे दें, होता ग्रेटर स्मॉलर इक्वल, और या तो इसपे हम क्या मल्टीप्लाई या डिवाइड वाली कोई ऐसी कंडीशन डाल सकते हैं? है? कंडीशनल स्टेटमेंट को याद रखने का शॉर्टकट तरीका यही है कि वो स्टेटमेंट जो आपको बूलियन में रिजल्ट लाके दे, ट्रू या फॉल्स। कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब ये कंडीशन के ऊपर चलने वाली स्टेटमेंट। कंडीशन जब वो कंडीशन चेक होगी, जैसे कि एक वैल्यू है उसका मॉड्यूलस अगर हम 2 से डिवाइड करें तो क्या आता है, 1 आता है, 0 आता है, तो हाँ आंसर आएगा। ये जो चीजें हैं, मतलब अगर मैं आपको समझाता हूँ, देखें सर से बुलियन आंसर चाहिए ना हमें? ठीक जी, बोलिए ना, आंसर चाहिए। है, सही समझ गए सर। तो ये वाली चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है ना, कि फिल्टर क्या करता है। फिल्टर आपके कंडीशन जो आप लिखते हैं उस कंडीशन से आपके तमाम एलिमेंट्स को चेक करता है, और चेक करने के बाद वो आपके लिए वो वाली वैल्यू लाकर देता है जो आपकी कंडीशन को मीट कर जाए, कि मुझे वैल्यू क्या चाहिए जो 30 से बड़ी हो। तो 140 आपको एरे के अंदर इसने लाकर दे दिया। अच्छा, जब भी हम वन लाइनर फिल्टर लिखते हैं, यानी इफ एल्स वाली कंडीशन जैसा ही होता है एक तरह से, जी हाँ जी हाँ जी, सर तो आपकी तब से हमें आवाज नहीं आ रही, प्लीज थोड़ा सा रिपीट कर दिएगा। अफशीन आप ना जूम की मीटिंग लीव करके दोबारा कनेक्ट करें तो शायद सही हो जाए। अच्छा देखें, जब आप वन लाइन स्टेटमेंट आप लिखते हैं तो जाहिर है आपको कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती, तो आप कर्ली ब्रैकेट अगर हटा दें, और जाहिर है जब कर्ली ब्रैकेट नहीं है तो रिटर्न का भी कोई काम नहीं है, तो ये जो वन लाइन स्टेटमेंट है ये खुद ब खुद रिटर्न करवा देती है आपकी उस वन लाइन स्टेटमेंट को। तो अब रिटर्न भी खुद हो रहा है, और रिटर्न की जो टाइप है वो इसने खुद ही इन्फाई कर ली होगी, नंबर, ठीक है? तो इस तरीके से ये फिल्टर का मेथड आप यूज करते हैं। तो ये क्लियर है फिल्टर, आगे चलें। यस सर, क्लियर है।